क्योंकि जब उरस के टाइम पर आए थे तो इतना इजी नहीं था यहाँ पर सब चीज, एक चीज एक्सप्लोर कराना, दरगाह की ज़ियारत कराना। क्योंकि वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब नाउ। और इसके नाम पे चंदा मांगता है तो आप इसको चंदा ना दें। ये देखिए दरगाह, और यहाँ पर कोई खादिम भी है मेरा, हजरत सैयद पहलवान शाह बाबा। और ये देखिए माशाल्लाह, और ये काफी ऊंचा गुम्बद जो है बनाया जा रहा है। दो दरगाह और हैं, जैसे कि एक वो मजार है, एक ये हाजी बाबा की है, और वो वाली वो दादा मियाँ की है। अच्छा, और इसी बहाने हमें ये दरगाह की ज़ियारत नसीब हो गई, हम लोग यहाँ आ गए। और मेरा सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब भी मस्त होंगे और मजा कर रहे होंगे गाइस। तो हम लोग यहाँ पर आए थे, तो गाइस हम लोग आए थे गोल्डन बॉय के घर पर, क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि आज जो है फरुखाबाद में शिवानी कुमारी आई हैं और गोल्डन बॉय के वहाँ रुकी हैं। तो गोल्डन बॉय के वहाँ रुकी हैं और शाम को वहाँ से जाएंगी। तो हम लोग को जैसे ही खबर मिली वैसे ही हम लोगों ने जो है बाइक उठाई और अपने हसन को लिया और सीधा चले आए। तो अभी हम उनके घर के पास मौजूद हैं, लेकिन कोई नहीं है। देखिए इस गली में रहते हैं गोल्डन बॉय, जो आप हमारे पीछे गली देख रहे हैं, तो दो जो कार खड़ी हुई है उसके बगल से जो गली है उस गली में रहते हैं गोल्डन बॉय। लेकिन यहाँ पर आकर के उनके भाई से पता चला कि वो नहीं आई हैं, तो बिल्कुल एकदम वाहियात और बेकार अफवाह थी, तो नहीं आई हैं वो। अब हम लोग जब यहाँ आ गए हैं तो इस तरीके से फंस गए हैं। तो वही हमने सोचा जब यहाँ पर आए हैं तो आप लोग को बताते हैं कि हम लोग आज आए थे गोल्डन बॉय से मिलने के लिए, कि गोल्डन बॉय को जो है हम इस बात की मुबारकबाद भी दे देंगे इसी मौके पे जो रक्षाबंधन की। और पिछली बार हम जो है होली पर भी आए थे, तब भी वो नहीं मिले थे गाइस। तो आज हम लोग फिर सेकेंड टाइम आए, तब भी उनसे मुलाकात नहीं हुई। तो उन्होंने कहा था जब यहाँ उरस हो रहा था, जब हम आए थे तो हमने आप लोग को दिखाया था उन्हें पिछले ब्लॉग में, जब ये रखा की दरगाह है, देखिए हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये जो दरगाह है रखा की, तो इस दरगाह पे हमने ब्लॉग एक शूट किया था जब यहाँ उरस हो रहा था। तो उसमें हमने जो है आपको दिखाया था गोल्डन बॉय को, दिखाया था अपने साथ में कैसे गोल्डन बॉय। तो उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया था कि भाई नेक्स्ट टाइम जो आप मुझे कॉल करिए, मुझे नंबर दिया था उन्होंने कि भाई मुझे कोहिनूर आप कॉल करिएगा, मैं इंशाल्लाह आपके घर पर आकर के विजिट करूँगा और मुलाकात करूँगा और आप भी हमारे घर पर आइएगा। लेकिन मैंने कॉल उनको कई मरतबा की, पता नहीं किसी वजह से, कोई पर्सनल रीज़न की वजह से नहीं जो है हमारी कॉल का रिस्पॉन्स दे पाए होंगे, खैर कोई नहीं। लेकिन खैर अब यहाँ पर आ गए हैं तो चलिए कोई नहीं, अब गोल्डन बॉय भी नहीं, उनके भाई से पता भी चला कि वो तो आई नहीं थी, तो ये बिल्कुल वाहियात और बेकार की अफवाह थी। कोई बात नहीं, आप व्यू को एंजॉय करिए, देखिए कितना प्यारा व्यू आ रहा है। अभी हम जो खड़े हुए हैं गोल्डन बॉय के मकान के बिल्कुल बाहर, जब निकल के आते हैं गेली से तो इस तरीके का व्यू देखने को मिलता है, बहुत ही खूबसूरत सा। और जब यहाँ पर मौजूदा हालत में आई गए हैं तो आपको दरगाह की ज़ियारत कराना भी बनता है, तो चलिए वहाँ पर चलते हैं दरगाह की। क्योंकि जब उरस के टाइम पर आए थे तो इतना ईजी नहीं था यहाँ पर सब चीज़, एक चीज़ एक्सप्लोर कराना, दरगाह की ज़ियारत कराना, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड था और यहाँ पर गांव क्षेत्र के लोग ज़्यादा आते हैं गाइस। तो चलिए अब दरगाह पे आपको चलते हैं लेके सीधा और एक्सप्लोर कराते हैं, दरगाह की ज़ियारत कराते हैं। तो वीडियो पे एंड तक बने रहिए, और चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक कर लें गाइस। तो बने रहें। एहसान कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ बताइए। वीडियो को घूम फिर के इनकी कहानी और सुई एक ही जगह पे आके अटक जाती है, मेरे अब्बू को लाइक करो सब्सक्राइब करो। चलो गाइस आप कंटिन्यू रहिए, मैं वहाँ पे दरगाह के पास पहुँचता हूँ, आपको ज़ियारत कराता हूँ। कीप टू वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब नाउ। इस व्यू एक बार चेक करिए, कितना खूबसूरत सा आ रहा है यार, बड़ा एकदम हरियाली हरियाली सब तरफ दिख रही है गाइस। ये देखिए कितना प्यारा व्यू लग रहा है, और ये वही दरगाह है जो मैं आपको बता रहा था, इस पेड़ की वजह से क्लियर नहीं दिख रही है ये दरगाह। अभी वहाँ पर चलते हैं और ज़ियारत कराते हैं। और कितनी सारी काऊ देखिए जा रही हैं, बफेलो, आई एम सॉरी। तो दरगाह के पास चलते हैं, आपको सीधा लेकर के एक्सप्लोर कराते हैं गाइस, वीडियो बने रहे। बिल्कुल ही जो जैसे ही आप इस गेट के पास में आते हैं दरगाह के, तो उसमें आपको एक ये देखिए नोटिस लगा के रखा है इन्होंने कि कोई भी अगर आपको जो है भंडारे और इसके नाम पर चंदा मांगता है तो आप इसको चंदा ना दें। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। चलिए अब आपको अंदर की तरफ लेके चलते हैं और दिखाते हैं आपको दरगाह। ये देखिए ये व्यू है, उस दिन जब हम लोग आए थे तो उस दिन नाइट में था, तो मैं आपको एक कायदे से एक्सप्लोर नहीं करा पाया था। और ये जो चौकी बनी हुई है गुम्मों की, आप देख रहे हैं ईंटों की बहुत सारे, इसी ईंटों के ऊपर जो है कव्वाल बैठ के जो है कव्वाली का अपने जो है सुना रहे थे कव्वाली। ये देखिए दरगाह, और यहाँ पर कोई खादिम भी हैं मेरा ख्याल है। और ये देखिए ये दरगाह बनी हुई हैं, आपको एक बार इधर से दिखाते हैं सामने से। ये देखिए गाइस ये दरगाह बनी हुई है, एक ये है और एक वो है।
और उसके बराबर में पता नहीं वो क्या है। चलिए वहाँ पास में चलते हैं, वो भी दिखाते हैं। और एरिया काफ़ी सारा है, ये देखिए यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ है, हज़रत सैयद पहलवान शाह बाबा। तो जो दरगाह है उनका नाम जो है मेंशन करके रखा है बहुत कायदे से। और ये क्या चीज़ है, चलिए इसको देखते हैं पहले पास में चल के। इसमें कुछ चरागी का है। तो गाइस ये देखिए कुआं था जो कि पाट दिया गया है, तो ये कुआं था और यहाँ पर चरागी होती है। और यहाँ पर अभी कुछ लोग मौजूद हैं। मेरी चप्पल उतारिए, चलिए अंदर चलते हैं। एक चीज़ का तो मैं तारीफ करूँगा कि मेंटेनेंस बहुत अच्छा रखा जाता है, बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरा। ये देखिए कितना क्लीन है। हम लोगों ने चप्पल पीछे उतार दी, हम लोगों को पता नहीं था, चप्पल हम लोग यहाँ तक पहन करके आ गए थे। तो चलिए अब दरगाह के पास चलते हैं और ज़ियारत कराते हैं। और ये देखिए पेटी है दान के लिए, मतलब अगर आप चंदा वगैरह देना चाहते हैं तो उस पेटी में डाल सकते हैं आप। और यहाँ पे साफ सफाई चल रही है अभी। और ये देखिए माशाल्लाह। और ये काफ़ी ऊंचा गुम्बद जो है बनाया जा रहा है, लेकिन अभी तैयार नहीं हुआ, ये अंडर प्रोसेस है। और कभी भी बनेगा तो माशाल्लाह काफ़ी ऊंचा बनेगा, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5 अराउंड 5 मंजिल के बराबर दिख रहा होगा ये। तो ये देखिए यहाँ के खादिम जो लोग हैं वो अपने यहाँ की साफ़ सफाई में लगे हुए हैं, खिदमत में। ये देखिए और जो दरगाह है वो पहलवान साहब बाबा की, मैं यहाँ से किसी से पता करूँ, भैया मेन दरगाह ये वाली है ना? तो मेन दरगाह जो पहलवान साहब बाबा की है वो ये वाली है। और दो दरगाहें और हैं खादिम साहब, यहाँ पर दो दरगाहें और हैं, जैसे कि एक वो मज़ार है, एक ये हाजी बाबा की है, और वो वाली वो दादा मियाँ की है। अच्छा, पहलवान शाह बाबा की ये वाली मज़ार है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो गाइस चलिए वक्त हो गया हैगा यहाँ आए हुए हमें, क्योंकि जिस काम से आए थे वो तो मिले नहीं, गोल्डन बॉय, और जो खबर मिली वो बिल्कुल वाहियात और झूठी थी। और इसी बहाने हमें दरगाह की ज़्यारत नसीब हो गई, हम लोग यहाँ आ गए। और मेरे चैनल पे यहाँ के उर्स का भी एक ब्लॉग पड़ा हुआ है, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो हमारे चैनल को विज़िट करें और देखें। और एक चीज़ और बताता हूँ, गोल्डन बॉय मज़े की बात तो ये है कि वो भी यहाँ जो है कमेटी में है। जब यहाँ उर्स होता है तो जैसे सब लोग जो है कमेटी की खिदमत में लग जाते हैं, यहाँ पर इस दरगाह की खिदमत में लग जाते हैं, उसी तरीके से गोल्डन बॉय भी यहाँ पर खिदमत में लग जाते हैं। तो चलिए अपने इस ब्लॉग को, अपने इस कंटेंट को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। जब तक के लिए अपने दोस्त कोहिनूर अंसारी को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, सेल, बाय बाय।